शीट में, तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 15 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने ये बताया था कि जहाँ जहाँ अर्थिंग हुई हुई है आपने सिंपली वहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो कर देना है। तो आप Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लें, Q2 की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, Q3 की वजह से पोटेंशियल निकाल लें, ये निकाला इक्वल टू ज़ीरो कर दें। फिर आप Q1, Q2, Q3 का पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लें और इक्वल टू जीरो कर दें। बस फिर ऑप्शन ले लेके हिट एंड ट्रायल करें, आंसर आ जाएगा। सर आपने इसमें इंडक्शन क्यों नहीं लगाई? जरूरत तो नहीं है, अर्थिंग करने नहीं देगी। Q2 का माइनस Q2 कर भी लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो उसके साथ कर लो तब भी चल जाएगा, आंसर तो फिर भी मैच हो ही जाएगा आपका। पर एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि किसमें लगाना? जिन क्वेश्चंस में Q1, Q2, Q3 ऐसे गिवन होते हैं ना, उनमें लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इंडक्शन ज़्यादातर लगाने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, इंडक्शन ज़्यादातर लगाने की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ ना सिग्मा निकालना होता है। ई और वी की प्रॉब्लम में अगर Q1, Q2, Q3 गिवन है तो बिना इंडक्शन के एज इट इज़ ही कर देना है, कोई दिक्कत है नहीं। इंडक्शन में वैसे बताया था मैंने, पर अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको इंडक्शन की, आप सीधा ही इसको सॉल्व करें, राइट? आपको इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है और बिना अर्थिंग के ही आता है, अर्थिंग तो करवा दी लेकिन वैसे आता बिना अर्थिंग के है। सिंपल क्वेश्चन आता है, सिग्मा के ऊपर ज़्यादा आता है, सिग्मा की वैल्यू को सेम करता है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं। तो 2 और 3 हमने कर लिया, 4 नहीं हमने किया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर -2Q चार्ज है। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के यहाँ -Q, तो ये क्यू है तो ये -Q बाई इंडक्शन, और -2Q 2Q, तो एक कंडक्टर का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 2Q - Q, नेट चार्ज Q है। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे ग्राउंड अपने कंडक्टर के पोटेंशियल को ज़ीरो कर देगा। कंडक्टर का पोटेंशियल ज़ीरो कैसे होता है, उसका चार्ज ही गायब कर देगा, क्योंकि जब तक चार्ज रहेगा वो इक्वी पोटेंशियल रहेगा। जब तक कंडक्टर के ऊपर चार्ज है सरफेस पे, तो उसके ऊपर वी तो पक्का रहेगा, वी तो कभी ज़ीरो होता ही नहीं। जब तक उसका चार्ज निकाल नहीं देंगे उसका वी ज़ीरो नहीं होगा, तो अर्थ सारे चार्ज को उठा के बाहर फेंक देगी, अपने अंदर एंटर करवा लेगी। चार्ज है कितना, क्यू, तो क्यू चार्ज अर्थ में चला गया, ऐसा आंसर लिखा जाता है बुक्स में कि क्यू इज़ द आंसर, ठीक है, क्यू चार्ज कंडक्टर का अर्थ में चला गया। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी होती है, और पॉजिटिव डेफिशिएंसी कभी नहीं जाती अर्थ में। क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के आते हैं और पॉजिटिव डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। हाँ, लेकिन बोलने में ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चला गया, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए ऊपर आके उसकी +Q की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, वो अलग बात है। चलो टेक्निकली बता रहा हूँ, अदरवाइज आपने आंसर +Q ही बोलना है कि +Q चला गया, ऐसे ही बोलना है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज करता है कई बार, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में। तो एक रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा मैं 15 मिनट की अर्थिंग के ऊपर। अर्थिंग की वो वीडियो किसी भी किताब में नहीं मिलेगी आपको, वो बस क्यूरियोसिटी से एक मैंने बनाई हुई है खुद अर्थिंग सीखने के लिए, कि अर्थिंग में एक्चुअल में जब हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है ऊपर। मतलब ऐसे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं जो मैं उसमें मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है अर्थिंग का, तो आप चाहो तो वो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से क्यूरियोसिटी से एक अर्थिंग को सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ मिस कर दिया आपने, ऐसा नहीं है, सीख लेंगे। तो हाँ, एक चीज़ ज़रूर मानूंगा कि कुछ नई चीज़ समझ में आई, अर्थिंग काम कैसे करती है, ठीक, ऐसे ही। तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 10 है। तो आपको इसमें फिल्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, तो नाउ 1/2 ऑफ द एयर इज फिल्ड इन द गैप्स, नाउ 1/2 ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4। तो इस प्लेट का बीच का आधा हिस्सा, अगर एरिया ए है तो आधा हिस्सा a/2 ले गया, डायलैक्ट्रिक के 4 ले गया, बाकी एयर और एयर है। अब कुल मिला के कितने कैपेसिटर्स हैं, 3, एयर डायलैक्ट्रिक एयर। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या है, ε0 a/4 डिवाइडेड बाई डी, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, 4 ε0 a/2 डिवाइडेड बाई डी, और इसकी कैपेसिटेंस क्या है, ε0 a/4 डिवाइडेड बाई डी। तीनों पैरल में ऐड करके आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर, आइसोलेटेड स्फेयर ये होता है अकेला स्फेयर, जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट
आर वन बिकम्स एन टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज बाय अर्थ कंसेंट्रिक स्फीयर. कंसेंट्रिक स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है. तो ये कैपेसिटेंस एन टाइम्स, जो अब जो कैपेसिटेंस है वो एन टाइम्स पुरानी कैपेसिटेंस है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है शेल से. तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो सॉल्व करके आर टू और आर वन की रेशियो निकाल सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट है. ये हमने कर लिया सीरीज पैरेलल के, ये क्वेश्चन हमने कर लिए. फोर माइक्रोफेरेट एक बार सिक्स्थ क्वेश्चन बता दो. सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18. तो एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 18 है. डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज ट्रेबल्ड, तीन गुना ज़्यादा कर दिया, और डायलैक्ट्रिक भी डाल दिया, तो डी की जगह 3D कर दिया और डायलैक्ट्रिक भी डाल दिया, तो कैपेसिटेंस होगी 72. आपको इसमें के निकालना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना किया जाएगा. ओके सर. ठीक है, सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ. तो दो कंडेंसर्स हैं जिसकी कैपेसिटी C1 C2 गिवन है, कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट 9, 10 ये पैरेलल में. एक बार एट बता दी. क्वेश्चन नंबर एट. तो क्वेश्चन नंबर एट में, आपको 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर गिवन है, वी गिवन है. प्लेट्स आर ज्वाइंट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम. द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस इज व्हाट. तो देखो, जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें एनर्जी है ½ CV2, इतनी एनर्जी है. जब आप एक कैपेसिटर की प्लेट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे ये मान लो पॉजिटिव है, ये मान लो नेगेटिव है, अगर कोई वायर की रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डिफिशियंसी को पूरा करके न्यूट्रल हो जाएगा. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसकी रेजिस्टेंस है. अब रेजिस्टेंस जब चार्ज रेजिस्टेंस में से जाएगा, करंट की फॉर्म में जाएगा, तो वायर गर्म हो जाएगी और जो एनर्जी है वो सारी की सारी बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो अगर इसके पास एनर्जी ½ CV2 है तो बाहर भी कितनी आएगी, ½ CV2. तो इसमें रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो ½ CV2 से क्या हो जाएगा, एनर्जी बाहर आ जाएगी. तो आपको सिर्फ कैपेसिटर की एनर्जी ही निकालनी है. ठीक, तो एट के बाद 9, 10, 11, 12. तो 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर ऑफ TV इज सब्जेक्टेड टू 4000 पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी निकालनी है, ½ CV2 आंसर है, फॉर्मूला बेस्ड है. नेक्स्ट है 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये देखो 200 वोल्ट की सप्लाई है. द चार्ज कैपेसिटर्स आर देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द लाइन एंड रीकनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट्स टुगेदर एंड नेगेटिव प्लेट्स टुगेदर. अगर ऐसा होता है तो कैपेसिटर्स क्या अटेन करेंगे, कॉमन पोटेंशियल. अब आपको इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर थोड़ी देर बाद कनेक्ट करने के बाद. सबसे पहले काम करो, आप इसमें V1 और V2 निकालो. ठीक है, तो ये बताओ कि इसकी कैपेसिटर की रेशियो क्या है, 10:20. C1:C2 क्या है, 10:20. तो हमने क्या किया था, V1 और V2 की रेशियो क्या हो जाएगी, 20:10, यानी कि 2:1, राइट. तो एक काम करते हैं, तो आप इसमें 200 वोल्ट को 200 वोल्ट को डिवाइड कर लेना V1 और V2 में, तो V1 V2 आ जाएगा. C1 आ गया, V1 आ गया, C2 आ गया, V2 आ गया. तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2. या ऐसा कर लो, ये दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो. तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतनी आ गई, V से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ गया. क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज की वैल्यू दोनों पे एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम. तो Q1 Q2 आ गया, C1 C2 पता है. तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो. कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, या तो C1 V1 C2 V2 या इसकी जगह Q1 एंड Q2. तो Q1 Q2 C1 C2 पुट करके आंसर आ. ठीक है यहां तक. ठीक,
फिफ्टीन हमने कर लिया था, सिक्सटीन हो गया, सेवेंटी फिफ्टीन फिफ्टीन क्वेश्चन के अंदर स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल, इंसुलेटिंग का मतलब डाइलेक्ट्रिक, ये टी गिवन है, थिकनेस गिवन है, ठीक। थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डाल दी प्लेट, तो उससे क्या हुआ, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो फॉर्मूला का यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाय के, कैपेसिटी बढ़ गई। पर वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट जो कि डी था, मैंने उसको बढ़ा दिया बाय 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर बढ़ गया और ओवरऑल कैपेसिटी गिर गई, और कितनी हो गई, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल क्या थी, बिना डायलेक्ट्रिक स्लैब के एप्सल नॉट ए बाई टी, तो इक्वेट करके डी के की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आपको डी पता है, टी पता है, आंसर ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 डन। 16 में लास्ट टाइम किया था कि इसमें करेक्शन है, टू स्फीयर आर वन आर टू आर चार्ज टू अ सेम पोटेंशियल होना चाहिए, तो स्फीयर का पोटेंशियल पहले सेम कर दो, क्यू वन क्यू टू की रेशियो आ गई, आपको रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/4 epsilon naught Q1/r1² तो यहाँ से क्यू वन क्यू टू की रेशियो पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट शीट नंबर 15 के बाद शीट नंबर 16, ये कौन सी शीट है, डाउट 18th क्वेश्चन में ये एक्स क्वांटिटी गिवन है, आपको बताना है कि क्वांटिटी है क्या, पहले एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, निकाल लिया, लेंथ का एल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज एम्पियर टाइम है, टाइम टी, चारों वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर एम्पियर बचेगा, एम्पियर करंट होता है आंसर। नेक्स्ट शीट नंबर 16, ठीक, शीट नंबर 16 में पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, हमने कर लिया काफी बार, ये प्लस है तो ये प्लस, ये माइनस है, माइनस दो कैपेसिटर, तो आंसर सीधा क्या आएगा, 2 into epsilon naught A/T, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटीज ऑफ टू कंडक्टर C1 एंड C2 एंड योर रिस्पेक्टिव पोटेंशियल आर V1 एंड V2, C1 V1, C2 V2, इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, दो कैपेसिटर को जो ज्वाइन करेंगे तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया, फिर ऐसे प्रोसेस में दे द लॉस ऑफ एनर्जी, हमने एनसीईआरटी का टॉपिक किया था, आपने फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला नोट भी किया था, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने किया था, ये रहा डेरिवेशन थी वो पूरी की पूरी, तो ये सीधा डेरिवेशन का रिजल्ट है, लॉस ऑफ एनर्जी का आप सीधा टिक मार्क करेंगे, तो फॉर्मूला रजिस्टर चेक कर लो जो बना रहे हैं उसमें नोट, लास्ट फॉर्मूला यही नोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट है, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये रहा, ऑफ बैटरी 100 वोल्ट, डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, तो इसमें हमने डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल दिया तो इसकी कैपेसिटी 4 गुना ज्यादा हो गई, तो ये सी है तो ये कितनी हो गई, 4C हो गई, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है, तो 100 वोल्ट आपको बताना है इसमें V1 V2 क्या होगा, क्या शॉर्टकट है, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो कैपेसिटेंस की रेशियो क्या है, C:4C यानी कि 1:4, तो V की रेशियो उल्टी हो जाएगी, 4:1, तो आपको इसमें V1 निकालना है तो 4 divided by 1 plus 4 into 100, और अगर आपको V2 निकालना है तो 1 divided by 1 plus 4 into 100, आंसर रेशियो प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम हो गई, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर जैसे 4, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 कनेक्टेड इन पैरेलल इज 12, तो ये 3 कनेक्टेड हैं पैरेलल में तो आंसर क्या है, 12। नेक्स्ट है, इन तीनों का प्रोडक्ट इज 48, इक्वेशन नंबर 2 भी क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हेन C1 C2 कनेक्टेड इन पैरेलल आंसर इज 6, तो पैरेलल के अंदर C1 प्लस C2 क्या है, 6, C1 प्लस C2 6 को यहां पुट करेंगे तो C3 क्या आएगा, 6, C3 आ गया 6,
इस C3 को यहां पुट करेंगे तो C1 इंटू C2 48 बाई 6 क्या जाएगा 8। अब आपको C1 C2 पता है, C1 प्लस C2 पता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1 C2 कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे तो ऑप्शन से टिक मार्क वो हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किया हुआ है, सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम है, ठीक, सीरीज पैरेलल, तो ये हमने किया हुआ है, सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम है। मैं बता दूं एक मिनट के लिए, ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में है, जो आंसर आएगा इसके साथ पैरेलल में है, ये तो नॉर्मल से होगा। लेकिन ये जो कैपेसिटर है ये वही क्वेश्चन है, ब्रेक करना पड़ेगा इन दोनों को, ऐसे फर्क है। वैसे बुक्स में बताऊँ कैसे गिवन है, बुक्स में ये दोनों सीरीज में गिवन है, ये पैरेलल में गिवन है, जो आंसर इसके साथ सीरीज में गिवन है, कई किताबों के अंदर ये गिवन है। बट जो मैंने आपको बताया था वो जो मेथड नंबर 2, तो वो उसमें वो एडवांस में आई हुई प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने वैसे ही किया है, इसको तोड़ा है ऐसे ऐसे, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट का एक कैपेसिटर बनेगा, कंडक्टिंग और कंडक्टिंग का एक कैपेसिटर बनेगा, हवा में ये और ये का कैपेसिटर नहीं बन रहा। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने K1 K2 को सीरीज में लिया क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और आंसर इसके साथ पैरेलल में लिया क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट्स के साथ बना हुआ है। इसलिए कई लोग पूछ रहे थे इसको डिवाइड कर दो ऐसे, ये दोनों नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट्स चाहिए हमें। तो बस उस क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा जो मैंने बताया था इसका, नॉर्मल तो आप जैसे मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं है, ठीक। लोग पूछते कितने कितने क्वेश्चन इस पे आते हैं, मैंने मेंस का पेपर दिया है, नीट का दिया है, कुछ भी नहीं आता, बहुत ही कम, दो मुश्किल से शायद कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स आता देखा नहीं है। आ गया तो देखी जाएगी, जो होगा मेथड तो हमने कर ही लिया, पर वैसे एनर्जी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं मैंने आते हुए, हाफ सी वी स्क्वायर के ऊपर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर मैंने कम देखे हैं क्वेश्चन। आप ये करते हैं, बहुत बड़े बड़े और खतरनाक क्वेश्चन आते नहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये तो कर लिया हमने आज अभी किया सेम। क्वेश्चन नंबर 8, ये सिंपली क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल ही लग रहा मेरे को, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको कह रहा है कि ये 3 4 2 कैपेसिटर्स गिवन है, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल 1200 गिवन है, 1200 गिवन है, और बी पॉइंट अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ है तो कौन सा पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल है। आपको इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, ये आपको निकालना है। बस आप मुझे पहले ये बताओ कि ये दो कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो इसकी जगह 6 आ गया। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज, तो बताओ इसमें चार्ज क्या होगा, इसमें चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1200 माइनस वीपी, मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल वीपी है, तो 1200 माइनस वीपी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 इंटू वी पी माइनस 0, चार्ज आ गया, चार्ज इज सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इज सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ए का पोटेंशियल तो पता है, यहां से सॉल्व करके पी का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर, ठीक।
ठीक है यहाँ तक। तो कैपेसिटर्स की एक और शीट दे रहा हूँ मैं अभी आपको, तो कैपेसिटर खत्म नहीं हुआ है, एक और एक बार शीट है। 11th क्वेश्चन बता दो। कौन सा? 11th हाँ मैं आ रहा हूँ 11th पे, एक मिनट। तो कैपेसिटर की एक और शीट दी है मैंने, सब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं जो ऑनलाइन है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इसके बाद और भी शीट्स हैं, जितनी मर्जी शीट्स लेते जाओ, ठीक, प्रैक्टिस करते जाओ। 9th 10th, तो 10th क्वेश्चन के अंदर 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज निकालना है। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में, 6 आ गया। 10 वोल्ट की बैटरी, ये और ये पैरेलल में, मतलब ये सीरीज में, इसके बाद ये पैरेलल में, तो पैरेलल में भी सेम रहता है। तो अगर इन दो जंक्शन के अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कनेक्ट तो इसी के साथ कर रहे हैं। तो 10 वोल्ट को V1 V2 अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो ये पता है कि कैपेसिटेंस की रेशियो 4:6 है, तो V की रेशियो 6:4 है, V1 V2 आ गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू 10, और V2 की ऑब्वियसली V1 आ गया, V1 आ गया, C पता है, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, चार्ज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में 11th में आपको ये गिवन है कि ये सब ऐसा लगता है कि पैरेलल में नहीं है। मैंने जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया था उसमें सिर्फ ये कनेक्शन था बस, तो ये तीनों देखते ही पता लग रहा है कि पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, और जो आंसर आएगा इनके साथ सीरीज में, ये डायग्राम बनेगा। तो ये 6 का 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, और ये 6 का 6, तो ये क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है। आपको निकालना क्या है, आपको इसमें 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज निकालना है। अब मेरे को पता है कि ये टोटल 12 है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, 6 6 6 सीरीज में, तो आंसर आएगा 2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 आ गई। टोटल बैटरी 12 वोल्ट की है, टोटल चार्ज आ गया, चार्ज क्या होता है, सी इन टू वी, 24 चार्ज आ गया। 24 चार्ज फाइनल चार्ज है, क्योंकि चार्ज सेम रहता है सीरीज में, तो इन इन इनके ऊपर रहेगा 24 24 24, जो टोटल चार्ज आया वो सेम हो जाएगा 24 24 24। इसके ऊपर 24 चार्ज है, अब ये किसका बना हुआ है, इन तीनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस डायग्राम को मैंने यहां बना दिया, 1 2 3 पैरेलल में, 1 2 3 पैरेलल में, और टोटल चार्ज इनके पास कितना है, 24। आपको चार्ज किस पे निकालना है, 2 पे। अब पैरेलल के अंदर क्या होता है, Q1 क्या होता है, C1 इंटू वी, Q2 क्या होता है, C2 इंटू वी, Q3 क्या होता है, C3 इंटू वी, वी सेम होता है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। तो Q1 Q2 Q3 की रेशियो C1 C2 और C3 की रेशियो सेम है, तो आपको Q2 निकालना है। तो Q2 क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 24, 8 माइक्रो कूलम का चार्ज है। क्लियर है यहाँ तक, समय क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो पहले ये देखा जाए टोटल चार्ज, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का चार्ज, 24 24 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पैरेलल में कैपेसिटेंस की रेशियो में, क्योंकि चार्ज और कैपेसिटेंस की रेशियो सेम है, ठीक है यहाँ तक। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तो है नहीं, हटा दिया मैंने इसमें से। नेक्स्ट है 17th नंबर शीट। देखो जो 17 शीट है वो अच्छी शीट है, इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आपने की हो किया ये, ठीक है इसको करते हैं। इसमें ये बढ़िया शीट है, तो इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा, वो नॉर्मल शीट्स हैं। तो इसके अंदर 17th नंबर शीट में पहला क्वेश्चन है, ये आपको क्यू और माइनस क्यू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर गिवन है। इन कैपेसिटर की प्लेट्स में मैंने दो स्लैब्स डाल दी, पहली स्लैब कंडक्टर, दूसरी डाई इलेक्ट्रिक। तो आपको वेरिएशन प्लॉट करना है V वर्सेस X का, X की वैल्यू D, 2D, 3D, 4D, 5D, ये रहा 0, ये D, ये 2D, 3D, 4D और 5D, तो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5D। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये एयर है, क्या एयर है, ये एयर है, बीच में कंडक्टर डाई इलेक्ट्रिक भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है, टूवर्ड्स राइट। एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ऐसे ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई यहां पर डीएक्स
डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि ये वी वी ग्राफ है और ये एक्स ग्राफ है। अब क्योंकि ये ई कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्लोप भी कांस्टेंट है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व तो बन नहीं सकता। ठीक, तो स्टार्ट करें। जब मैं क्यू से माइनस क्यू जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा हूं, पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो जीरो से डी के रीजन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आंसर ए या बी में से है। फिर जैसे ही बीच में कंडक्टर आता है, कंडक्टर हमेशा इक्वी पोटेंशियल होता है, कंडक्टर के अंदर और बाहर वी सेम होता है, तो कंडक्टर में वी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ ये देखो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। फिर वापस एयर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप काफी की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपका वी और गिर जाएगा, यहां पे और भी गिर जाएगा, तो बीच में एयर आ गई, पोटेंशियल और गिर गया, इसमें गिरा नहीं, इसमें बढ़ गया, बढ़ कैसे सकता है, डायरेक्शन ऑफ ई में तो वी गिरेगा, गिर गया। नेक्स्ट क्या, डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक के अंदर वी कॉन्स्टेंट नहीं होता, वी गिरता है, वी गिर गया, लेकिन ज्यादा नहीं गिरता जितना एयर में गिरता है। फिर एयर आ गई, एयर में और गिरता है, तो गिरता ही जाएगा एक्सेप्ट इन कंडक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी है। वैसे तो आपको आइडिया हो ही गया ऑप्शन नंबर बी का, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक सर्किट गिवन है जिसमें कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड की है। चार्ज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब नई चीज ये है कि अर्थ और अर्थ दो जगह, तो जीरो जीरो पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल जीरो जीरो है तो आप इन्हें ना ज्वाइन कर सकते हो किसी वायर से जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वायर से अगर ज्वाइन किया तो जीरो और जीरो एक ही बात है, आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो सी और टू सी किसमें हो जाएंगे, इन सीरीज, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, आंसर 4 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें 10 है, तो टोटल चार्ज बैटरी क्या देगी, Q इज CV से 40। अब क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इसके ऊपर भी 40, इसके ऊपर भी 40 है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट के अंदर आप देखना जो वीडियो उसमें बताया हुआ है, एक अर्थिंग होती है घरों की अर्थिंग, घरों की अर्थिंग में इलेक्ट्रिकल अर्थिंग चाहिए होती है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग में जब घर बनता है, सबसे पहले बहुत गहरा खड्डा 30-32 फुट का खड्डा खोदते हैं, कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, उसमें और भी उतनी क्या कुछ डालते हैं, एक हरी तार मीटर की उसमें डाल देते हैं, और वो हरी तार मीटर तक लेके आते हैं, और घरों में पूरी जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं वो ग्रीन वायर ट्रेवल करती है, ताकि अगर यहाँ एल्यूमिनियम के अंदर या इसे कहेंगे चार्ज आ जाए एक्स्ट्रा, हमें करंट ना लगे, वो सीधा उस अर्थ के अंदर जाता है। तो ये नहीं है कि अर्थ को यहाँ ज्वाइन कर दिया तो चला गया, अर्थ नीचे तक अर्थिंग होती है, प्रॉपर अर्थिंग करनी है जहां पे आपको चार्जेस मिलते हैं, चार्ज को ट्रेवल करना है, मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा ना चार्ज, तो अंदर तक जाएगा जहां पर चार्ज ट्रेवल करना शुरू करता है। ठीक हो गया, वो क्या फंडामेंटल है मुझे पता नहीं, ऐसा कुछ होता है। एक अर्थिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल के अंदर अर्थिंग करते हैं, मोबाइल में एक चिप है, चिप के अंदर कम से कम बहुत ही जगह ग्राउंड या अर्थिंग यूज होती है, मान लो 100 जगह यूज होती है जैसे मोबाइल में, तो क्या तारें ले लेके यहाँ अर्थ में खुद के तब मोबाइल चलता नहीं, ऐसा नहीं होता, तो अर्थिंग कहाँ है, अर्थ तो किया नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऐसी अर्थिंग यूज करते हैं जहां पर चार्जेस, जैसे प्लस चार्ज ने 10 पोटेंशियल लगाया, माइनस चार्ज ने -10 लगाया, तो वहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। जब चार्ज को उस पॉइंट पर बंद कर देते हैं, चार्ज ही नहीं है, तो वहां पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जीरो, ऐसे पॉइंट्स रखे जाते हैं। तो आपने सर्किट डायग्राम देखा होगा मदरबोर्ड पे, वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के ऊपर वो लाइनें बनी होती हैं बहुत सारी, तो अर्थिंग के पॉइंट्स भी अगर आप दो पॉइंट्स को जोड़ें अर्थ एंड अर्थ को, तो उसमें करंट ट्रेवल नहीं करेगा, तो एक्चुअल में वो अर्थिंग हुई होती है, और वो बेसिकली ऐसे ही है कि वायर को जोड़ दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, ये घरों वाली अर्थिंग नहीं है, तो आप इसे जोड़ सकते हैं, तो आप इसे जोड़ते हैं अंदर ही अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको हैंड रिटन शीट में जाना पड़ेगा, जिसमें कि शीट नंबर 34। ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो इस शीट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटर्स का टॉपिक है,